हम पहुंच चुके हैं अमित भाई के क्रेशर में। ये हमारे उस्ताद जी हैं। ये देखिए गाइस, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे। ये पूरा प्लांट है यहाँ पे और यहाँ सब पिसाई होती है 10 mm 20। तो गाइस हम जा रहे हैं प्लांट की तरफ। ये देखिए ट्रांसफार्म। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मोटा अल्दू गैस प्लांट की तरफ, क्रेशर में अपने अमित भाई से मिलने। और उसको देखते जितनी धूप है यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत लंबा ब्लॉग है। आप मिलते हैं सीधे क्रेशर में, थोड़ा दूसरे ब्लॉग वगैरह एरिया दिखाऊंगा और चलते हैं सीधे क्रेशर में। हम गोला बड़ा उस एरिया में और यहाँ पर रोड काफ़ी अच्छी है। इतना मस्त आ रहा है। ये भैया भी जा रहे हैं साइकिल से दूध लेके और हम चलते सीधे गैस प्लांट की तरफ। गाइस हम जहाँ तो मेन रोड से रहे थे, इसलिए आपको काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा होगा यहाँ पे। ट्रक वगैरह सुबह सुबह ज़्यादा चलते हैं ना। नहीं, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है इधर का नज़ारा। और ये अभी बन रही है रोड, ये रोड तो कब से चालू हो चुका है, इसके जस्ट बगल वाली रोड अभी बन रही है, काम चल रहा है इसका, सारी प्रगति पर है। मैं मोटा हल्दू जो निकला था उससे नेक्स्ट वीडियो में और अब उससे भी नीचे जा रहा हूँ। मुझे पता है वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि लाउड बोलना पड़ रहा है, हवा और ट्रैफिक जो जा रहा है इसके ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इधर भी एक साइड की रोड बनी है, एक साइड की नहीं बनी है। अभी काफ़ी टाइम से ऐसी है, 2-3 साल हो गए हैं, कहाँ भी चल रहा है। छोटी छोटी जगह में रोड बनाते हैं, अब देखो कब तक इसका कार्य पूरा होता है। लेकिन जो रोड पड़ी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पहुँच चुका था मिट्टी केसर में गैस प्लांट के पास और अमित अभी आ रहा है, मैंने उसको कॉल कर दिए, तो देखते हैं अब क्या कहता है वो, या थोड़ा और नीचे को जाएंगे या फिर यहाँ से वापसी चलते हैं। मुझे ट्रांसपोर्ट नगर भी जाना है, कुछ काम है ज़रा नीरज बोरा से, फिर तो मिलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अमित भाई आ चुके हैं हमारे गाड़ी से और देखते हैं क्या करवाते हैं, चाय पिलवाते हैं, नाश्ता करवाएंगे आज ही। आज नाश्ता करवा दो क्या मालिक? अरे नाश्ता करता हूँ, लेकिन नाश्ते में बंद मक्खन यहाँ नहीं लाइव है। हम पहुँच चुके हैं अमित भाई के क्रेशर में। ये हमारे उस्ताद जी हैं, हेलो। और ये इनका वाहन है, इसको बोलते हैं लोडर। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं क्रेशर में, यार वीडियो बनाना अलाव है। एक लोडर ये है इनका और एक ये है और ये है प्लांट। कोई भी व्यक्ति यहाँ से रेता और दाना ले सकता है, संपर्क करें अमित भाई से, सबसे सस्ता कहीं नहीं, 5 है 5। और ये वो चल रही है पॉपलाइन,
ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस टूवर जो अब नहीं दिख रहा है। अभी तो नीचे डाउन कराया पाइप तो हाँ। किया था ना जब। तो गाइस हम जा रहे हैं प्लांट की तरफ। ये देखिए ट्रांसफार्म कितने वाट का हो गए बोल्ट। और ये देखिए ये जो रहता है ये है जीरा। ये देखिए और ये इनका प्लांट है। प्लांट में कई बड़ी बड़ी मशीनें हैं और यहाँ एक जनरेटर रूम है। जब लाइट चले जाती है जनरेटर चलाते हैं। हम जा रहे हैं डक की तरफ और यहाँ से देखिए इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थरों को पीसती है। अभी दिखाएंगे अंदर से। और हम जा रहे हैं डक की तरफ। डक किसे बोलते हैं, जैसे गौला से गाड़ी आती है भर के माल, वो यहाँ पे उतारती हैं और यहाँ से पट्टों के द्वारा जो माल बोलते हैं इसको सरल हिंदी भाषा में, ये जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में। बोल्डर पिसता है यहाँ, वहाँ से अलग अलग प्रकार का रेता और दाना 20-10 mm। तो गाइस ये देखिए आपको अंदर दिख रहा होगा कई बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अभी अंदर से दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं डक पर। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है डक किसे बोलते हैं, सही बोला ना मैंने। तो गाइस मैंने भी काम किया हुआ था क्रेशर में तो मुझे थोड़ा नॉलेज है। और यहीं हमारी गाड़ियाँ भी चलती हैं। अभी ड्राइवर से बात हो गई, वो आने वाला है, मैं अपनी गाड़ी भी दिखाऊंगा आपको। और ये होता है डक जो गौला से नदी से जो आता है रेता दाना मोटा जो भी है बोल्डर, वो इस जगह से, ये देखिए लोहे के यहाँ पे वो लगे हैं दीवारें, इससे नीचे एक गड्ढा होता है बहुत बड़ा, यहाँ से जाता है। और यहाँ से जाने के बाद इसमें गिरता है पट्टों में और इसके थ्रू उधर जाता है। फिर वहाँ पे नीचे देखो छन्नी लगी है, छन्नी में बारीक बारीक छन के उसमें जाता है। अभी ये प्लांट बंद है और यहाँ से अंदर जाता है, फिर ये पिसता है अंदर बड़ी बड़ी मशीनों में। अभी नीचे जाके आपको बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिखाई जाएगी। और ये देखिए कितना बड़ा टीन सेट है। और ऐसे ही इनके बता रहे हैं 6 क्रेशर हैं। तो गाइस ये 20-30 mm है और यहाँ से भी ये डक बना है जो ये डक से नीचे जाता है और ये इससे बारीक रेता बनता है। और वो रेता जो बनता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो जो ढेर लगा हुआ है जहाँ पॉपलाइन चल रही है ये वो रेता बनता है यहाँ पे। और अंदर इसकी पिसाई होती है वो तो अभी दिखाते हैं आप। हम प्लांट के अंदर जा रहे हैं और ये देखिए ये है बहुत बड़ी बड़ी मशीन जहाँ पिसाई होती है। ये देखिए गाइस बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे। ये पूरा प्लांट है यहाँ पे और यहाँ से पिसाई होती है 10 mm 20 mm, यहाँ से निकलता है रेता वगैरह ऐसा जी। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ी मशीन है। यहाँ पे देखो फैन बेल्ट वगैरह सब लगे हुए हैं, यहाँ से जीरा वगैरह निकलता है। मतलब कुछ अलग अलग नाम है सबके रेते के। तो गाइस अब चलते हैं घर को। ये देखिए ये जो दड़ा होता है सबसे मोटा वाला जो रोटों में काम आता है वो ये है, ये लेंटर में काम आता है। मेरी वापसी हो चुकी है क्रेशर से। ये देखिए कांटा गेट से बाहर जा रहा हूँ मैं, मिलते हैं हल्द्वानी सीधे आपको। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। और अभी गाड़ी आई नहीं है, वो गौला में ही है तो वो दिखाई नहीं मैंने आपको ब्लॉग में। कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो दिखाऊँगा। और मैं जाता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ नियर से मुझे कुछ काम है, मिलते हैं सीधे हल्द्वानी में। मैं घर पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ी दूर देर रह गया है और यहाँ पर अच्छी छाया आई थी, मैं यहाँ पर इसलिए रुक गया हूँ। अब घर जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।
लीजिए, देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।